सिद्धू मूसेवाला की हत्या के चार दिन के बाद भी पंजाब पुलिस के हाथ खाली है। डीजीपी ने 6 मेंबर्स की एसआईटी टीम बनाई है। पंजाब पुलिस की कई टीम अलग अलग स्टेट में छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक मूसेवाला का कातिल फरार है। अब तक पंजाब पुलिस के हाथ में सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों तक उनके हाथ नहीं पहुंच पाए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस के हाथ खाली। मूसेवाला के कातिल अब भी फरार। सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आखिरकार पुलिस ने अपनी टीम ही बदल दी। तीसरे दिन ही नई एसआईटी बनाकर जांच को तेज करने का दावा किया गया। इसके साथ साथ बठिंडा और फिरोजपुर जेल में बंद दो गैंगस्टर को रिमांड पर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि मूसेवाला मर्डर केस में इन दोनों गैंगस्टर का भी संबंध है। पंजाब पुलिस ने जेल में बंद दूसरे गैंगस्टर से भी पूछताछ की है। इस मामले में देहरादून से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस का दावा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कई सुराग मिल चुके हैं और जेल में बंद गैंगस्टर से पूछताछ इन्हीं सुरागों के बाद हो रही है। तो इन्हीं लीड्स के दौरान दो अक्यूज्ड है, उनको हम प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए हैं और एक अक्यूज्ड है जिसको हमने भी अरेस्ट भी किया है। उनका हमारे पास 6 दिन का पुलिस रिमांड है और लगातार उनके साथ पूछताछ की जा रही है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये इन लोगों से हमें और अच्छी लीड्स मिलेंगी जो हमें जो एक्चुअल जो कल्प्रिट्स हैं उनकी तरफ ले जाएगी। इनका इस केस से कहीं ना कहीं लिंक जुड़ के ज़रूर सामने आ रहा है, इसीलिए इनको हम इन्हें प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए हैं, क्योंकि हमें इसका पूरा भरोसा है कि किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने ही किया है और इसी गैंग के जो सदस्य हैं। तो हमें लगता है कि हमें उससे एक अच्छी लीड मिलेगी जिससे हम असल दोषियों को जल्दी गिरफ्तार कर सकेंगे। इनका एक पूरे मॉड्यूल में एक रोल जो सामने आ रहा है कि इनके जो ये मॉड्यूल था इनके नॉलेज में ज़रूर था, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करने के लिए इनका लाना बहुत ज़रूरी था। शुभदीप सिंह के मर्डर केस के अंदर आईजी साहब की तरफ से एक सिट फॉर्म कर ली गई है जिसकी डे टू डे जी मॉनिटरिंग है वो मेरी तरफ रेगुलरली की जा रही है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के जो अलग अलग एंगल्स हैं उस पर कंटिन्यूसली वर्क किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से हमने CCTV फुटेजेस हमने निकाल ली हैं जिससे हमें काफ़ी क्लूज मिले हैं। इसके अलावा जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस है वो भी हमारी डिफरेंट टीम्स कंटिन्यूसली कर रही हैं। हमारे पंजाब पुलिस के जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो भी एक साथ इकट्ठे काम करके हमें जो इनपुट दे रहे हैं उसके आधार पे हम लोग के पास काफ़ी सारे जो नए लीड्स आई हैं उस पर अभी काम कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी कैनेडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले भी सिद्धू मूसेवाला को मारने की धमकी दी थी। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, लेकिन अब मनसा पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाने की तैयारी कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली है। लॉरेंस बिश्नोई को अब एनकाउंटर का डर सता रहा है। बिश्नोई फिलहाल 5 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। पंजाब पुलिस भी लॉरेंस की कस्टडी लेने की तैयारी कर रही है। टेंशन हाई है, इसलिए लॉरेंस को भी एनकाउंटर का डर सता रहा है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। मूसेवाला मर्डर केस में गोल्डी बराड़ के फेसबुक पोस्ट के बाद लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया, लेकिन लॉरेंस के वकील इसे सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉरेंस के वकील का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। देखिए, जो सिद्धू मूसेवाले का जो मर्डर है एक दुखद घटना है, लेकिन मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धू मूसेवाला खुद एक कॉन्स्पिरेटर माना गया, एक इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस की ही निकल के आता है कि विक्की मडुगेड़ा जो एक अकाली दल नेता था उसके मर्डर के अंदर में जो कॉन्स्पिरेसी रची गई, जो फंडिंग की गई शूटर्स को, कौशल गैंग के जो शूटर्स पकड़े गए उन्होंने डिस्क्लोज किया कि हमें फंडिंग वहां की गई और इसके ऑफिस में बैठ के इसके मैनेजर ने ही पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा। ही इज अ मेन कॉन्स्पिरेटर, लेकिन वो वहां बाहर चला गया ऑस्ट्रेलिया और अब इनका मर्डर होना और ये खुद एक कांग्रेसी लीडर है, तो ये आपस की पॉलिटिकल राइवली है अकाली और कांग्रेस की, जिसके अंदर में मेरे क्लाइंट को जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका नाम डाला जा रहा है। देखिए, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज टाइम से जानते हैं, ये रियल फैक्ट है।
लेकिन किसी को जानने से कोई किसी का इस तरह के क्राइम एसोसिएट नहीं हो सकता। उधर पंजाब पुलिस का साफ साफ कहना है कि मूसेवाला का मर्डर गैंगस्टर ने फुल प्लान तरीके से किया है, इसमें बहुत से राज सामने आने वाले हैं। पुलिस हर मोर्चे पर इसकी तफ्तीश कर रही है। पंजाब में इस वक्त 70 एक्टिव गैंग्स के करीब 500 मेंबर्स हैं, इनमें से करीब 300 जेल की हवा खा रहे हैं। पंजाब के ज्यादातर गैंग्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये उगाही और धमकी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कुछ गैंग्स तो जेल के अंदर से ही ऑपरेट हो रहे हैं, इनकी कमाई का जरिया ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और वसूली है। बठिंडा जेल में 40 से ज्यादा गैंगस्टर्स कैद हैं और दूसरी जगहों से भी यहाँ गैंगस्टर्स को लाने की तैयारी है। बठिंडा की इस हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर अभी 40 के लगभग गैंगस्टर जो हैं वो कैद हैं। सूत्रों की माने तो 40 और गैंगस्टर को प्रदेश की विभिन्न जेलों से इस जेल में शिफ्ट किया जाना है। सिद्धू मूसेवाला पर हुए हमले के बाद पंजाब सरकार उन्हें जल्द ही शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए जेल प्रशासन को हुक्म भी जारी कर दिए गए हैं। पंजाब पुलिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं और साथ ही भगवंत मान पर भी, जिनके सामने सत्ता संभालने के बाद ये पहली बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।